नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट और सहारा इंडिया परिवार को लेकर जो मामला चल रहा था उसमें कोर्ट की तरफ से जो है एक बड़ा डिसीजन सामने आया है। कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार करने की बात कही है। सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय सहारा एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि सुब्रत को 11 मई को पटना हाई कोर्ट में पेश होना था, उस दिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उसके बाद उन्हें 12 मई को कोर्ट में पेश होना था, इस दिन भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। और 13 मई को आखिरी दिन भी कोर्ट में वो पेश नहीं हुए, इस दिन भी उन्होंने कोर्ट में अपनी दलील पेश की लेकिन वो कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर वे अगली बार कोर्ट में नहीं आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से कह लें कि उन्होंने वारंट जो है वो जारी कर दिया है। बता दें कि सुब्रत राय को 17 मई को कोर्ट में अब जो है पेश होने को कहा गया है। पटना हाई कोर्ट में 12 मई को जब सुब्रत राय नहीं आए तो कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा कि कौन है ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें कोर्ट आना होगा और हर हाल में उन्हें पैसा लौटाना होगा। कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को सशरीर पेश होने को कहा था लेकिन वे इस दिन भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इस बार सुब्रत ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट आने से मना कर दिया। सुब्रत के वकील ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। सुब्रत के वकील ने यह भी बताया कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। इसी साल जनवरी में उनका एक ऑपरेशन भी हुआ है, इस कारण फिजिकल तौर पर उन्हें कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और सुब्रत को सशरीर कोर्ट में पेश होने को कहा, लेकिन इसके बाद भी सुब्रत कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। शुक्रवार को जब सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने नाराज होकर गिरफ्तारी वारंट जो है जारी कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ 17 मई को अगले सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। आपको बता दें कि सुब्रत राय सहारा के ऊपर लाखों रुपये का पैसा रखने का जुर्माना है। इतना ही नहीं, सुब्रत राय सहारा के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमा चल रहा है। सुब्रत की कंपनी सहारा के ऊपर गलत तरीके से पैसा जमा करने और निवेशकों का ऐसा नहीं लौटाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस कंपनी पर भरोसा कर बिहार की गरीब जनता ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जमा किया ताकि उनका भविष्य ठीक हो सके, लेकिन कंपनी उनका पैसा लौटाने से मना कर रही है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट में 200 से अधिक निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कंपनी से जब पैसे की मांग की जाती है तो कंपनी की तरफ से यह दलील दिया जाता है कि कंपनी का पैसा सेबी के पास है और जब सेबी से पैसा मिलता है तब हम जो है पैसा निवेशकों को लौटा देंगे, या सहारा की तरफ से दलील दी जाती है। ऐसे में यह पूरा मामला सेबी और कंपनी के बीच में फंसा हुआ है। हालांकि निवेशक अब कोर्ट में पहुंच गए हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनका पैसा लौट सकता है। निवेशक जब प्रीमियम पूरा होने पर पैसे की मांग करते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि आप दूसरे स्कीम में पैसा लगा दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, जबकि यह कंपनी की तरफ से एक धोखा था जिसकी मार आज भी निवेशक झेल रहे हैं और कंपनी पैसा देने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पूरे मसले में अगर हम देखें तो कंपनी, सेबी और कोर्ट, ये तीनों के बीच में ये पूरा मामला फंसा हुआ है, लेकिन पैसा गरीब जनता का है और उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में वो कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। ऐसे में अब कोर्ट से ही उम्मीद बची है कि वो गरीब जनता का पैसा उनके पास दिलवा पाएंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।